तो ये सभा ही रामगढ़ की जीत सुनिश्चित कर देती। इसलिए जो यहाँ नहीं आया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सबको अपने घर परिवार भी चलाने हैं। आइए मुख्य बातों पर ध्यान दें। कुछ जातियां जो हैं सारे अधिकारों पर कब्जा मार के बैठी हैं, इसका पता तभी लगेगा जब आर्थिक आंकड़े जारी होंगे। ये तो आपके सामने है, मैं तो पहली बार इस मिट्टी को नमन करने आया हूँ। जिस तरह का प्यार जम्मू एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक, कोई गांव ऐसा बचा होगा जहाँ लोगों ने खड़े होकर स्वागत नहीं किया। माओं बहनों ने, बेटियों ने, बच्चों ने और नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने जिस तरह का आशीर्वाद दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रत्याशी हमारे यहाँ लड़ रहे हैं उनमें भी, जहाँ हम लोग खड़े हैं रामगढ़ में, सुरेंद्र रत्री जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से चुनाव को जीतेंगे। आजाद समय जम्मू कश्मीर, कितने लंबे समय तक जनता इंतजार करती चुनाव हो, लेकिन यहाँ की सरकारों ने हमेशा चुनाव को बाधित करने का काम किया। इस बार भी जनमत के आगे, जन भावनाओं के आगे सरकार को झुकना पड़ा और चुनाव कराना पड़ा। तो जिन सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, स्टेट की टीम ने जिन सीटों पर प्रत्याशी लड़ाए हैं, मेरा तो मानना है कि हम सभी सीटों को जीतेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के हाथ में, तो हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से भीम आर्मी के माध्यम से यहाँ काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हितों की रक्षा करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। सैकड़ों आंदोलन मैंने उनके देखे हैं। मेरा विश्वास है जनता ही बड़ी है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जम्मू कश्मीर की महान जनता आशीर्वाद देगी तो सभी प्रत्याशी जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पहले देखिए, जैसे आपका चैनल जनता के हितों की आवाज़ उठाता है, लेकिन बहुत सारे ये समस्याएं जो आप तक आपके चैनल के माध्यम से भी नहीं उठती। मायावती जी हमारी बड़ी नेता हैं, आपने उनके बारे में सवाल किया, उन्होंने जितना वो कर सकती थी किया, लेकिन अभी भी समाज बुनियादी सुविधाओं से दूर है, अभी भी अधिकार नहीं मिले हैं और अभी भी समाज में उस तरह का बल और उस तरह के जो है हालात नहीं पैदा हुए कि समाज अपने आप को सम्मान के साथ जो है अपने जीवन को यापन कर सके। जो अधूरा काम है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा काम काशीराम साहब ने पूरा किया, फिर बहन जी ने प्रयास किया, जो अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और मेरा विश्वास है आज नहीं तो कल हम लोग इस संघर्ष में कामयाब हो जाएंगे। कोई अलग सिनेरियो नहीं है, हर जगह पे जनता के हितों के मुद्दे हैं। बॉर्डर स्टेट के एरिया के जो परेशानियां मैंने आपके सामने, मीडिया के सामने अपनी बात को रखते हुए रख दी है, मैं समझता हूँ यहाँ ज़्यादा परेशानियाँ हैं, उनका हल निकालने के लिए यहाँ मजबूत लीडरों की जरूरत है जो ना स्वार्थी हों और ना ही वो किसी भय में रहें। तो हमारे जो नेता हैं भाई सुरेंद्र जी, वो निडर व्यक्ति हैं, जनसेवक हैं, गांव गांव तक, घर घर तक उनका काम है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि वो यहां की सभी समस्याओं पे, चाहे किसानों की हो, चाहे प्रवासी मजदूरों की हो, चाहे यहां के लोकल काम करने वालों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे नौजवानों की हो, महिलाओं की, सब पे वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। महत्वपूर्ण है, होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, उसके आंकड़े, आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए, देश को पता लगना चाहिए किसकी कितनी संख्या है और किसको कितनी हिस्सेदारी मिली है। और जब ये हो जाएगी तभी मैं मानता हूँ कि 100% पूरे देश को जानकारी होगी कि क्या कोई वाकई में किसी का अधिकार खा रहा है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।